जिले में बढ़ते कोरोना ग्राफ और चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार को लेकर जिला अस्पताल को 20 डॉक्टर्स के साथ 40 पैरामेडिकल स्टाफ मिला है। दरअसल मेडिकल कॉलेज अटैच जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार को लेकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से मांग की थी। विधायक द्वारा किए गए प्रयास रंग लाए और जिले को नए चिकित्सकों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ के आदेश चिकित्सा मंत्री ने दिए। बाड़मेर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार हावी हो रहा है और आए दिन कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं कोविड वार्ड समेत कोविड केयर सेंटर से भी अव्यवस्थाओं की शिकायतों ने बाड़मेर के चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। ऐसी ही शिकायत पर दो दिन पूर्व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा के साथ जिला अस्पताल के कोविड वार्ड समेत अस्पताल के अन्य वार्डों और कोविड केयर सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण कर जायजा लिया, जिसके बाद विधायक ने मरीजों की शिकायत पर चिकित्सा विभाग को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से कोरोना नियंत्रण को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की मांग की। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की अनुशंसा पर चिकित्सा विभाग ने जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर यूटीबी के आधार पर 20 चिकित्सकों एवं 40 पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना संक्रमण के नियंत्रण तक नियुक्ति देने के आदेश जारी किए। पूरे मामले को लेकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का कहना है कि जिले भर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी के मद्देनजर मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री को अवगत करवाया गया था, जिसके बाद 20 चिकित्सकों और 40 पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने के आदेश हुए हैं और जल्द ही इन 60 पदों पर नियुक्ति के बाद कोरोना संक्रमण पर निश्चित रूप से काबू पाया जा सकेगा। विधायक जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए बाड़मेर की आम जनता से मेडिकल एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। से कोरोना की बीमारी लगातार बढ़ रही है और पेशेंट बढ़ रहे हैं, अस्पताल पे भार बढ़ रहा है, स्टाफ की कमी थी, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी से हमने निवेदन किया कि यहाँ बाड़मेर जिला अस्पताल में और जहाँ कोविड के इतने पेशेंट हैं यहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ दिया जाए। तो मुझे खुशी है कि हमारी बात पर 20 तो डॉक्टर्स और 40 जीएनएम के 60 की स्वीकृति दी है। तत्काल उसको हम उसमें प्रोसेस करके और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनकर इनको नियुक्ति करेंगे ताकि जो स्टाफ की कमी है वो नहीं रहे, क्योंकि ये दिनों दिन जिस तरह से बढ़ रहा है तो यहाँ आवश्यकता थी। उस आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने इस आवश्यकता को पूरी की और भी अभी वीसी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से ही निवेदन किया कि 2 अक्टूबर से एक अभियान चलेगा कि हम किस तरह से मास्क का उपयोग करें। उसके लिए एक प्रोग्राम आ रहा है, हर वार्ड में जाएंगे, हर व्यक्ति को समझाएंगे और उनको मास्क की कमी भी तो उसको देंगे ताकि मास्क हो, सैनिटाइज हो, डिस्टेंस हो, इसका हम पालन करें। सरकार प्रयास है, मेडिकल विभाग चाहे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सख्ती से और एनजीओ और सारे हम मिलकर प्रयास करेंगे कि इसको महामारी से निपटने के लिए हम इसका उपयोग करें। जिला अस्पताल के अधीन बालिका छात्रावास में चल रही कोविड ओपीडी में जहां सैंपलिंग के लिए लोगों की कतारें लग रही हैं, वहीं एक शिफ्ट में कोविड ओपीडी के संचालन से यहां आने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं स्टाफ की कमी के चलते जिला अस्पताल के कोविड वार्ड समेत कोविड केयर सेंटर की चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित होती नजर आ रही है। ऐसे में 20 चिकित्सकों और 40 पैरामेडिकल स्टाफ की बढ़ोतरी से यहां आने वाले मरीजों को कुछ राहत मिल पाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण पर भी संभवतः अंकुश लग पाएगा।